नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई बर्मिंघम में एक छोटे से समारोह के दौरान शादी के बंधन में बंध गई। एजुकेशन एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई ने ट्विटर पर इस बात का खुलासा किया और कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। मलाला यूसुफजई ने मंगलवार को खुद इस बात की पुष्टि की कि अब वो एक विवाहित महिला है। ट्विटर पर शादी की फोटो पोस्ट करते हुए मलाला ने लिखा, आज मेरे जीवन में एक अनमोल दिन है। असर और मैं जीवन साथी बनने के लिए शादी के बंधन में बंध गए हैं। हमने अपने परिवारों के साथ बर्मिंघम में घर पर ही एक निकाह समारोह मनाया। कृपया हमें अपनी दुआओं से नवाजे। हम आगे की यात्रा के लिए साथ चलने के लिए उत्साहित है। मलाला ने निकाह समारोह से चार तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसमें वो अपने पति, माता पिता जियाउद्दीन यूसुफजई और तूर पेकाई यूसुफजई के साथ देखी जा सकती हैं। मलाला हमेशा निर्भय होकर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। साल 2012 में लड़कियों की शिक्षा के लिए मलाला ने आवाज उठाई, जिसकी कीमत उन्हें तालिबान की गोली अपने सिर पर खाकर चुकानी पड़ी। हालांकि अपनी बहादुरी दिखाकर उन्होंने जिंदगी की जंग को जीत लिया। मलाला ने हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबानियों की क्रूरता के खिलाफ भी आवाज उठाई है। मलाला यूसुफजई क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और कई बार वो अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुकी हैं। संयोग से उनके पति असर मलिक का भी क्रिकेट से बहुत करीबी नाता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जनरल मैनेजर है। असर मलिक ने लाहौर के प्रतिष्ठित एचएसएन कॉलेज से डिग्री लेने के बाद लाहौर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। पीसीबी से जुड़ने से पहले वो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान के साथ भी जुड़े रहे। मलाला ने वैसे तो इससे पहले एक इंटरव्यू में शादी को लेकर संदेह जताया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। इसी साल जुलाई में फैशन पत्रिका वोग को एक इंटरव्यू में मलाला ने कहा था, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग शादी क्यों करते हैं। अगर आपको जीवन साथी चाहिए तो आप शादी के कागजों पर दस्तखत क्यों करते हैं? ये एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती? बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।